Avengers! हम सभी जानते हैं कि मार्वल्स ने अपनी फिल्मों को अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया है। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बाद मार्वल्स का फेज 3 खत्म हो गया था और लोगों में अब फेज 4 के लिए एक अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि अब तक इन तीनों फेजेस से मार्वल्स का फेज 4 काफी ज्यादा डिफरेंट और एक्साइटिंग होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि फेज 4 में मार्वल्स ने मूवीज के साथ साथ टीवी शोज या कहें वेब सीरीज भी इस बार शामिल किए हैं। आपके रिक्वेस्ट पर हमने आज का ये डिटेल वीडियो मार्वल्स फेज 4 पर बनाया है। तो आइए सीधे चलते हैं फेज 4 की लिस्ट की तरफ और जानते हैं मार्वल्स के इस खजाने में हमारे लिए क्या क्या छुपा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिल्म्स के साथ। ब्लैक विडो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है ब्लैक विडो का। एवेंजर्स एंडगेम में हुई ब्लैक विडो की डेथ से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि ये कहानी उससे काफी समय पहले की है। यदि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हिसाब से बात करें तो ये कहानी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के पहले की है। इस फिल्म का मेन विलन है टास्क मास्टर। इस फिल्म में हमें मार्वल्स के कई और बड़े कैरेक्टर्स के कैमियो भी देखने मिलेंगे। पैंडेमिक की वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट कई बार चेंज की गई है, पर फाइनली 9 जुलाई 2021 को ये फिल्म अब रिलीज की जाएगी। ब्लैक विडो मार्वल्स की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मिस्टीरियस कैरेक्टर है और अपनी एक सोलो फिल्म डिजर्व करती है। इटर्नल्स फेज 4 की लिस्ट में दूसरा नाम है फिल्म इटर्नल्स का, जिसमें मार्वल कॉमिक्स के वो कैरेक्टर्स हैं जो अब तक किसी भी फिल्म में इंट्रोड्यूस नहीं किए गए हैं। ये फिल्म कुछ ऐसे एलियंस के बारे में है जो दिखते तो इंसानों की तरह है मगर ये काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इटर्नल्स की ये स्टोरी एक प्रीक्वल है, यानी कि ये स्टोरी अभी तक हमने जो कुछ भी देखा है उससे काफी समय पहले की है। ये भी सुनने में आया है कि फिल्म में हमें यंग थानोस देखने को मिल सकता है। फिल्म में ऐसे और कई सरप्राइज एलिमेंट्स भी शामिल हैं। ये सभी बातें इस फिल्म को काफी एक्साइटिंग बनाती है। ये फिल्म 9 नवंबर 2021 को रिलीज की जाएगी। शांची द लेजेंड्स ऑफ द रिंग्स लिस्ट का अगला नाम मार्वल फैंस के लिए नया है। शांची चाइना में रहने वाला एक कैरेक्टर है और मार्शल आर्ट्स के साथ कई अलग अलग फाइटिंग टेक्निक्स का महारथी भी है। इस फिल्म का मेन विलन है 10 रिंग्स, जो कि एक ईविल ऑर्गेनाइजेशन है। इसे हम आयरन मैन की फिल्मों में पहले भी देख चुके हैं। हालांकि ये फिल्म को 2001 में बनाया जाने वाला था मगर कुछ रीजंस की वजह से ये 2018 तक टलती रही। फाइनली अब ये फेज 4 के साथ आ रही है। इस फिल्म की सबसे खास बात ये है कि किसी एशियन लीड के साथ मार्वल्स की ये पहली फिल्म होगी। ये फिल्म 3 सितंबर 2021 को रिलीज की जाएगी। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ये फिल्म शायद फेज 4 की सबसे एंटिसिपेटेड फिल्म्स में से एक है। फिल्म के मेकर्स से एक और बात सामने आई है कि ये फिल्म एक हॉरर फिल्म होगी। डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली फिल्म में हम मैजिक और टाइम ट्रैवल देख चुके हैं, अब इसके सीक्वल में हॉरर एलिमेंट भी ऐड कर दिया गया है। इस फिल्म में स्कारलेट विच का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। अभी फिल्म के विलन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो भी डिटेल सामने आई है उससे इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये फिल्म 25 मार्च 2022 को रिलीज की जाएगी। थॉर लव एंड थंडर रैग्नारॉक के बाद थॉर मार्वल्स का एक बहुत ही इम्प्रेसिव और लवेबल कैरेक्टर बन गया था, पर इन्फिनिटी वॉर में जिस तरह थॉर की एंट्री हुई थी उसने ऑडियंस पर एक अलग ही जादू कर दिया था। इसके कारण अब फेज 4 की थॉर लव एंड थंडर के लिए लोगों में एक नई एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि फीमेल थॉर अब मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस होने वाली है। फाइनली जेन फॉस्टर म्योलनीर उठाने वाली है। थॉर रैग्नारॉक की सक्सेस के बाद लव एंड थंडर भी अब टाइका वाइटीटी ही डायरेक्ट करेंगे। ये फिल्म 11 फरवरी 2022 को रिलीज की जाएगी। इसके अलावा फेज 4 मूवीज की लिस्ट में हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, द मार्वल्स, एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3, फैंटास्टिक 4 और ब्लेड। अब फिल्मों के बाद बात करते हैं मार्वल्स के लाइनअप में ऐड हुए नए एलिमेंट्स की, जो है टीवी शोज और वेब सीरीज। और जो भी शोज इस लिस्ट में आए हैं वो किसी भी मार्वल फैन की धड़कनों को तेज करने के लिए काफी हैं। तो चलते हैं मार्वल्स के टीवी शोज की लिस्ट की तरफ। द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर एंड गेम के क्लाइमेक्स के बाद हमने देखा कि कैप्टन अमेरिका ने अपनी शील्ड सैम विल्सन को दे दी थी और अब बकी यानी कि विंटर सोल्जर और फाल्कन इस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। इस शो की कहानी एंड गेम के बाद की है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शो पॉजिटिव रिव्यू के साथ ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। आप डिज्नी हॉटस्टार पर इसे देख सकते हैं। वांडा विजन हालांकि इन्फिनिटी वॉर के एंड तक विजन की डेथ हो जाती है मगर वांडा विजन शो में उसे किसी तरह वापस लाया गया है। इस शो में वांडा और विजन अपनी असली आइडेंटिटी को छुपाते हुए वेस्ट व्यू के किसी टाउन में रहने लगते हैं। देखने में ये शो किसी सिटकॉम की तरह लगता है मगर ये उससे कई ज्यादा है। विद अ रेटिंग ऑफ 8 out of 10 यू मे वॉच दिस वेब सीरीज ऑन डिज्नी हॉटस्टार। लोकी यू लव हिम यू हेट हिम बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम।
ये क्या बला है? लोकी अनडाउटेडली इज वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ एमसीयू। थानोस ने लोकी को इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत में ही मार दिया था, मगर एंड गेम में जब एवेंजर्स पास्ट में जाते हैं तब वहाँ लोकी टेसरैक को लेकर भाग जाता है और इस शो में हमें वही लोकी देखने को मिलेगा। ये शो एक अलग ही टाइमलाइन को फॉलो करता है क्योंकि टेसरैक की मदद से लोकी अब एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन में आ गया है और अब कहानी वहीं से शुरू की जाएगी। ये शो डिज्नी हॉटस्टार पर 11 जून को रिलीज हो चुका है। फेज 4 की लाइनअप में अगला नाम है एक एनिमेटेड शो का जिसका नाम है व्हाट इफ। Rightly like its name, इस शो का मेन थीम है MCU में होने वाले मेजर इवेंट्स का एक अल्टरनेटिव वर्जन दिखाना, यानी कि मूवी के मेजर इवेंट्स अब तक जिस तरह दिखाए गए हैं, यदि उन्हें बदल दिया जाए तो आगे की कहानी क्या होगी। फॉर example, what if Iron Man didn't die in the end of Endgame? इस प्लॉट को सुनकर तो यह लगता है कि ये शो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग होने वाला है। I am gonna call in Banner. I'm all right. फेज 4 के टीवी शोज की लिस्ट में एक और नाम है हॉकाय। इस शो की स्टोरी भी एंड गेम के बाद की ही होगी। इस शो में एमसीयू का एक नया कैरेक्टर केट बिशप भी इंट्रोड्यूस होने वाला है। केट बिशप हॉकाय जैसी ही एक कैरेक्टर है जो बाद में हॉकाय की जगह ले लेती है। कहा जा रहा है कि हॉकाय की बेटी ही आगे चलकर केट बिशप बनेंगी। इसकी एक हिंट हमें एंड गेम की शुरुआत में ही मिल जाती है जब क्लिंट अपनी बेटी को तीर कमान चलाना सिखा रहे होते हैं। खैर, ये शो भी काफी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि एंड गेम के बाद सभी कैरेक्टर्स की लाइफ अब बदल चुकी है और आगे क्या होने वाला है इसका इंतजार मार्वल्स का हर फैन कर रहा है। ये शो 2021 के एंड में रिलीज किया जाएगा। टीवी शोज की लिस्ट में और भी कई नाम हैं, जैसे मिस मार्वल्स, मून नाइट, शी हल्क, सीक्रेट इन्वेजन, आयरन हार्ट, आर्मर वॉर्स, आई एम ग्रूट, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सीज हॉलीडे स्पेशल। तो ये थे एमसीयू के टीवी शोज जो कि एमसीयू की मूवी से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे और ज्यादातर डिज्नी हॉटस्टार पर ही रिलीज किए जाएंगे। एमसीयू फेज 4 की कौन सी मूवी या टीवी शो को आप देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द आउटसाइडर्स को जरूर सब्सक्राइब करें।